सो तुम करहु करबहु मोहु तात तरनी कुल पालक हो साधक एक सकल सिद्धि देनी कीरति सुगति भूति माया बेनी। इतना कहना था भरतलाल जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। मैं जानता था कि आप वापस लौट के नहीं आएंगे, अयोध्या नहीं चलेंगे, मैं ये भी जानता था। अब बताइए कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। राम जी बोले, तुम्हारे लिए आज्ञा यह है कि तुम वापस अयोध्या लौट जाओ, राजकाज संभालो। भरतलाल जी बोले, मैं भी तुम्हारा भाई हूं, तुम्हें जंगल में दर दर की ठोकरें खाते देख कर के मैं जाके राजगद्दी में बैठूंगा ये तो सपना ही होगा। हाँ, बस यह कि आपकी आज्ञा है कि मैं राजकाज चलाऊं तो राजकाज चलाऊंगा। अयोध्या के एक एक कर्म को, एक एक कर्तव्य को मैं जान से बढ़कर निभाऊंगा आपकी आज्ञा पाकर, पर राजगद्दी में नहीं बैठूंगा क्योंकि राजगद्दी आपकी है। अयोध्या के राजा कल भी आप थे, अयोध्या के राजा आज भी आप हैं और अवध के राजा कल भी आप ही रहेंगे। ये भरत तो केवल दास है और दास ही बनकर जिएगा, दास से बढ़ के भरत कुछ नहीं कर सकता। बस आपसे एक प्रार्थना है। बोले, क्या? बोले, मैं जाकर अयोध्या की राज काज को चलाऊंगा तो मुझे सहारा चाहिए, आधार चाहिए। तो आधार क्या होगा? बोले, मुझे आप अपनी चरण पादुका दीजिए। जैसे कि राम जी तो नंगे पांव आए थे, लेकिन राज्याभिषेक के सामग्री में चरण पादुकाएं भी होती हैं, सिंहासन होता है, तो चरण पादुकाओं में भगवान राम ने अपने चरण रखे। श्री चरणों को रखने के बाद उन चरण पादुकाओं को भरतलाल जी ने अपने शीश पे धरा। चित्रकूट के सारे तीर्थों में यात्रा करके, जो वहां पर अनेकों नदियों के सागर के जल को, अभिषेक की सामग्रियों को और औषधियों को लेके आए थे, वो सारा सामान चित्रकूट में एक भरतकूप नाम का कुआं है आज भी, उस कुएं में विसर्जन किया गया। सारे तीर्थों की यात्रा करती हुई भरतलाल जी भगवान राम के चरण पादुकाओं को शीश पे धर के अवध की ओर प्रस्थान करते हैं। सारे अवधवासियों को भगवान ने सांत्वना दिया, भगवान सबके भीतर प्रवेश करके उनके जो वियोगजन्य दुख है, ताप है, संताप को कम करते हैं और खड़ाऊ लेकर के भरतलाल जी निकल पड़े हैं अवध की ओर।